वक्त आ चुका है। आइए पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को प्रणाम करता हूं और मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनको निमंत्रित करता हूं। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई हो आपको। आपने जनता के मन में ऐसा जोश भर दिया, खास तौर से युवाओं के मन में, कि देश को एक और ऊंचाई पर ले जाने में हमारे युवा कटबद्ध होके निकल पड़े हैं। मैं समझता हूं एक आक्रामक मानसिकता है, दूसरा निराशिक मानसिकता है। मैंने एक अग्रेसिव टेंडेंसी, दूसरा डिप्रेसिव टेंडेंसी, ये दो मुख्य कारण है गंदगी फैलाने का। क्यों? इन दोनों मानसिकता में संवेदनशीलता नहीं होती है। तो इनसे ऊपर उठना हो तो आप जैसे देश के प्रधान इनके दिल में, इनके मन में एक भर दे, विश्वास भर दे कि हम इस देश को ऊपर ले जा सकते हैं, स्वच्छ दिखा सकते हैं, देश भर में ये काम कर सकते हैं। ये ऊर्जा आध्यात्मिक लोगों से तो, हम लोगों से तो मिलता ही है, मगर जब देश के प्रधान, प्रधानी के नाते आप जब बढ़ते हैं, उसका बहुत गहरा असर होता है। तो इस बात से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। घर में भी स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता होनी चाहिए। आज हम घर में भी जाके देखते हैं, कई लोग अपने विंडो सीलिंग साफ नहीं करते, खिड़कियों को साफ नहीं करते, अपने सिंक को रोज नहीं साफ करते, घर में गंदगी रहती है। वही हम और दूसरे देशों में जाके देखते हैं, वो लोग कितना साफ सुथरा रखते हैं। इसलिए हमें अपने घर में साफ सुथरा रखने का आदत एक डालना पड़ेगा, एक एक बात है। दूसरी बात है कि जैसे सार्वजनिक स्थान पर, वहां सफाई के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको जब तक हमारे भीतर एक अपनापन नहीं जागता देश के प्रति, स्थानों के प्रति, ये काम असंभव है। आपकी प्रेरणा से, आपकी आवाज से हमारे एक युवा एक ऐसी मशीन तैयार किए हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है। मैंने जितने अभी मंदिरों में टन्स ऑफ वेस्ट होता है, 1000 से अधिक किलो का वेस्ट होता है, और उसको डालने की जगह नहीं होती और उसको कंपोस्ट होने में टाइम लगता है। मेरे एक युवा ने ऐसा मशीन बनाया, आज वो मशीन वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में और कामाख्या के मंदिर में, विंध्यवासिनी के मंदिर में, दक्षिण में इधर स्वामी मलाई में, अजमेर शरीफ दरगाह में, इस तरह से 9 अलग अलग मंदिर में, कलकत्ते के काली के मंदिर में ये मशीन लगाया गया है, और दिल्ली के और गाजियाबाद के म्युनिसिपैलिटी में भी इस मशीन को लगाया। और इस मशीन में क्या करता है, तो हाथों हाथ जो 1 टन वेस्ट मैनेजमेंट, फूल का, पत्ते का, जो भी चीज है, इसको खाद बना देता है, और खाद वो प्रसाद के रूप में लोग, किसान ले जाते हैं, फूल आके चढ़ाते हैं और खाद ले जाते हैं, फिर बाद में वही खाद अपना खेत में डालने के लिए। और स्वच्छता चेतना शिविर के लिए हमारे युवा 90,560 स्वच्छता चेतना जगाने की शिविर किए पूरे देश में, इसमें काफी एक एंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, सुविधा के साथ गंदगी बढ़ गई है। हमें शहरों में सुविधा है, यदि हम ट्राइबल एरिया में जाएं और वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, हम चौक जाते हैं, वो इतना गांव को शुद्ध रखते हैं, कोई गार्बेज वहां नहीं है। शहरों में इतना बढ़ गया है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के जगह हमें अपना पत्तल में वो लौट के जाना पड़ेगा, पहले पत्तल से ही भोजन करते थे, कुल्हड़ में करते थे, और कॉर्न स्टार्च की प्लास्टिक बनने की भी अभी नई चीज शुरू हुई है, गुजरात में ही ये शुरू हुआ है। और ये कॉर्न स्टार्च के प्लास्टिक बैग जो है रिप्लेस कर सकती है, 90 दिन में ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है। तो जल का स्रोत को शुद्ध रखना है, इसका भी अवेयरनेस कैंपेन हमारे लड़कों ने किया, लड़कियों ने किया है, 40,301 ग्रुप्स में जाके पॉन्ड्स को, वाटर बॉडीज को साफ सुथरा रखने में
काम कर रहे हैं। आपकी प्रेरणादायक वाणी से और तेजी मिल गई इसमें। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भारत को एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर हम ले जाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके प्रोत्साहन के जो शब्द हम सबके लिए कहे, देश भर में इस काम में लगे हुए लोगों कहा, और कोटि कोटि स्वच्छाग्रहियों को आपने बहुत बड़ा बल दिया अपने शब्दों से, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आप तो हमेशा से ही समाज के सामने खड़े प्रश्नों का समाधान करने में अपनी भूमिका सक्रियता पूर्वक निभा रहे हैं। अनेक वर्षों से मेरा अनुभव रहा है कि जब भी देश और समाज के भले के लिए उनकी आवश्यकता पड़ी है, आपने, आपके सभी वॉलंटियर्स ने कभी कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए स्वच्छता के प्रति, और उसमें भी आधुनिकता आप लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, नया दृष्टिकोण लाते हैं, स्वच्छता के प्रति आपका सरोकार हृदय से बहुत बहुत सराहनीय है। आपने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को भी इस अभियान से जोड़ा है। ये निश्चित रूप से इस विराट लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी ताकत देगा। मैं हृदय से आपको प्रणाम करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं, और मुझे आपसे जो ऊर्जा मिली है, आइए अब हम चल